ये दवा यहाँ पर पड़ा है, वह देखिए चार टंकी पूरे खेत में पड़ेगा तब बढ़िया से होगा दवा। दवा जो है खेतों में नहाने से क्या है, जो गेहूं है जैसे घास वो सब जल जाएंगे। अभी देखिए अभी खेत तो गीला है, पूरा खेत देखिए दोस्तों। आओ वीडियो बनाबे, कृषि विभाग के दो होनहार रिसर्च हमारे बीच बैठे हैं, नीरज चुरवल उखड़ी जुटते हुए। काफ़ी अभी चौथा उखड़ी है, चार उखड़ी सभी लोग चुप के भूसा बना दिए हैं, पांचवा लिए हैं दोनों लोग, जैसे काफ़ी बरसों से उखड़ी पाए नहीं हैं। देखिए उखड़ी पहला टंकी ना, अभी ना भाई पहला टंकी है ना, अबे लगा रील नहीं बनाता भाई। जब तक रिश्तेदारी मैंने कहा कि लौंडा और दोस्तों आपको बता दें, खेती करना कोई आसान बात नहीं होता है, बहुत मेहनत लगता है और बहुत, अगर आप अच्छा से इसको देखभाल करेंगे और पैसा लगाएंगे तो अच्छा फसल होगा। करीब इसी खेत में अब से जो है धान हम लोग बोए थे तो चार टाली धान निकला था और उसमें दवा भी लाए थे, छिड़काव इसी दुकान से लाए थे। और ये दुकान जो है सरैया डिग्री कॉलेज के सामने, थोड़ा जाएंगे दूर पे तो सब्जी मंडी है, उसके सामने मौर्या बीज भंडार है, वहीं पे दवा मिलता है और दवा अच्छा क्वालिटी के देते हैं भाई, जो खरो जर जाता है आप लोग देख सकते हैं। आप दो अपने साथ दो जो है मतलब कृषि विभाग की रिसर्च जो करते हैं खर उर पे जलने के लिए लाए हैं। अभी तो ये सब उखड़ी चुप रहे, इसके बाद अभी जाएंगे कुछ काम हम करेंगे कि जब मरा जाएगा चार डब्बा तब देखेंगे अच्छा से मराया है कि नहीं। अभी दोनों लोग बैठ के उड़ चूमने का कार्य कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। और ये देखिए जो गांव देहात वहात में सब नशा करके सोए रहते हैं, जिसको बोला जाता है गांजा, गांजा इसका नाम है और भांग भी इसको कह सकते हैं, इसको भी लगा के काम में पी। इसको दोस्तों बड़ा हो जाता है तो झुरवा के ले आके सभी लोग गांजे में चीलम बना के पी लेते हैं। ये देखिए यही है, है ना जली नन्ना नहीं पर मार एक दाई भांग है ना जली मार बच्चे जाने जा रही हमारे पास भंगिया ना जरी चाची हूँ भंगिया ना जरी खराब रहा बस जरी ये देखिए टिकंडा पन्नी ना होते बहुत आउट डारा यार बहुत ज्यादा बाबी वो तो कर दो टंकी और टंकी बनी मान ले बची थे एक टंकी और एरियन गाड ढेर बत एक टंकी और मार दे बाहर मैं जा रहा हूं अब की ये दिमाग कर ले आगे में कई स्टेप पहन के लगा दे नहीं दिया भाई अब वीडियो बनाई ये तो पंजा दे पंजा में बनाया नीरज लिए थे सही है भाई मोबाइलिया देवा अपन सत्या भाई की भाई जो रील ना यष्टी संथामास का टापर बच्चा देखिए गया था मंडल लेवल का फुटबॉल खेलने और काफ़ी इस समय अपने पैर के दर्द से जूझ रहा है, इसीलिए आके
किसानी करने लगा, नहीं तो फुटबॉल में बहुत ही अच्छा और पढ़ने में तो बहुत तेज है लड़का। देखिए एसटी संत थॉमस खैराबाद का नंबर वन माने जाने वाला स्कूल। और दोस्तों इसमें क्या है, दो डब्बा मार चुके हैं खेत में और तीसरा डब्बा मारने जा रहे हैं। या देखिए यही दवा है, और दोस्तों यहाँ पर जो खेतों में जो है जिसको जंगल में बोलते हैं लीलगाह हो गया, और सुगारा तो मानते हैं आलू उलू कोड़ खा लेते हैं, मगर लीलगाह है और बकरी उकरी जो है ये सब गांव वाले एक जो है यहाँ पे आ जाती हैं चलने के लिए। लीलगाह तो दोस्तों उखड़ी में से, देखिए उखड़ी बुआ इसमें से आ जाती हैं, और दवा मारने से बहुत ही फ़ायदा रहेगा, जो खरों में सब जल जाएंगे। अभी कुछ 20 दिन पहले दोस्तों पानी वानी चला गए हम लोग मोटर से, और अब तो पानी करीब, जब थोड़ा सा गेहूं रेड़ने लगेगा तब पानी चलाना पड़ेगा फिर से। गेहूं में ज़्यादा पानी नहीं चलता है, दो बार चलता है बस दोस्तों। अगर बारिश हो जाएगा तो सीख है, नहीं तो फिर गन्ने का फसल दोस्तों जो यहाँ पे ये खेत है, यहाँ पे गन्ने का फसल बहुत तगड़ा होता है। देखिए गन्ना, पहले इस खेत में भी दोस्तों हम लोग गन्ना बोते थे, मगर गन्ने में क्या जो है तो मेहनत ज़्यादा लगता है दोस्तों, काटना हुआ फिर उसको ले जाना हुआ मिल पे चीनी बनाने के लिए। देखिए चारों तरफ दोस्तों गन्ना बोया है, देखिए इसीलिए गन्ने अब हम लोग अपने खेत में नहीं बोते हैं, और फिर गन्ना नहीं बोते हैं और अपने खेत में क्या गेहूँ बोने लगे। चलिए दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं गन्ने का फसल कितना बढ़िया है बगल में। जैसे ये देखिए दोस्तों गन्ने का जो है फसल, और ये जो है इसको ले जाते हैं सब लोग, कुछ गाय भैंस खा लेती है, कुछ मड़ई बनाने के लिए काम आता है गर्मियों के सीजन में। और देखिए गन्ना कटने लगा है, यहाँ से पूरा कट चुका है, जस्ट इसके बगल में हम लोग अपना गेहूँ बोए हैं। पहले इसमें भी गन्ना बोते थे दोस्तों हम लोग, बोते थे फिर नहीं, अब क्या है गन्ने में मेहनत ज़्यादा लगता है इसीलिए। अब उखड़ी देखिए ज़बरदस्त लगा है गन्ने का फसल, पूरी तरह से आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ दोस्तों। यहाँ पे जो है जिस जगह ये ज़मीन है यहाँ पे उखड़ी का फसल बहुत तगड़ा होता है दोस्तों, और गेहूँ का होता है मगर गेहूँ उतना मेहनत ज़्यादा, मगर उखड़ी में तो दोस्तों और तगड़ा होता है अगर आप मेहनत कर देंगे। देखिए कितना मोटा मोटा है दोस्तों।